कौन है भद्रा? आखिर सनी देव से क्या है इनका रिश्ता? क्यों इन्हें सनी देव से भी ज्यादा माना जाता है खतरनाक? हम सभी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर सनी देव की कृपा होती है तो वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, तो वहीं सनी देव राजा को रंग भी बना देता है। इसी प्रकार हम सभी जानते हैं कि भद्रा काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार लोकल 18 को बताया कि जिस प्रकार शनिदेव जिस पर अशुभ दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन नरक हो जाता है, उसी प्रकार उनकी बहन भी है जो कि शनिदेव से ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि भद्रा कौन और कैसी है। ज्योतिषीय दृष्टि से हम देखें तो भद्रा को एक मुहूर्त माना गया है। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि जब होली पर होलिका का दहन किया जाता है या श्रावण की पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, तब विशेष रूप से विचार किया जाता है कि भद्रा काल के बाद अर्थात होलिका दहन के समय भद्रा ना हो तो राखी बांधते समय भद्रा ना हो, अर्थात यह एक मुहूर्त इसको ज्योतिषीय गणना में माना गया है। भद्रा के कई नाम हैं, धन्या, दधिमुखी, महामारी, असुरक्षाकारी और खराना। इसके अलावा और 12 नाम इस भद्रा के बताए गए। शनि की अशुभ दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसका जीवन नरक हो जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है। उसी प्रकार शनि की जो बहन है भद्रा, इसका स्वभाव भी वैसा ही है। भद्रा का नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं। भद्रा काल में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कर्म नहीं किए जाते हैं, और यदि भद्रा काल में इस प्रकार के शुभ कर्म किए जाते हैं तो उसका शुभ परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि आखिर भद्रा है कौन। सूर्य और छाया की पुत्री का नाम भद्रा है और शनि की इनको बहन कहा गया है। शनि की तरह क्रोध स्वभाव है, राजा को रंक बनाने की भद्रा में क्षमता है, भयंकर स्वरूप है, बड़े बड़े दांत, विकराल दांत हैं, बड़े बड़े लंबे केस हैं, उसके रंग काला है। जन्म के समय ही ये सारे संसार को खाने को दौड़ी। जब इसका जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही इसने कई यज्ञों को नष्ट कर दिया और सारे मांगलिक कार्यों को भंग कर दिया, और इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, लोगों के कार्यों को बिगाड़ना इसका कार्य है। सूर्यदेव की पुत्री है तो सूर्यदेव ने इस प्रकार उसको कुरूप देख करके और इस प्रकार का विचित्र स्वभाव देख करके उनको बड़ी चिंता हुई कि इसका विवाह मैं किसके साथ करूंगा। कई देवताओं से उन्होंने संपर्क किया, उसके स्वभाव उसके स्वरूप को देख करके देवताओं ने विवाह के प्रस्ताव को जब ठुकरा दिया तो भगवान सूर्यदेव चिंतित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने निराकरण किया और भद्रा को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अशुभ नहीं रहोगी। भद्रा को मांगलिक कार्यों में और शुभ कार्यों में स्थान भी दिया। बब, बालव, तैतल और कौरव नाम के जो करण हैं, इन करणों के साथ समय के मध्य में सातवां स्थान भद्रा को दिया, अर्थात भद्रा को भी एक उन्होंने ब्रह्मा जी ने मुहूर्त माना और कहा कि तुम हमेशा अशुभ नहीं रहोगी, जिस लोक में तुम रहोगी उस लोक में तुम्हारा प्रभाव जो है वह अशुभ होगा। तो ज्योतिष के पीयूष दारा नाम के ग्रंथ में लिखा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमम, मृत्यु लोके स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात जब स्वर्ग में या पाताल में भद्रा रहती है तब वह भद्रा पृथ्वी लोक में शुभ फल को देने वाली रहती है। अर्थात स्वर्ग लोक में जब भद्रा रहेगी और पाताल लोक में भद्रा रहेगी तो आप पृथ्वी लोक में सारे प्रकार के शुभ कार्य करिए। जब भद्रा पृथ्वी पर नहीं रहती है तब पृथ्वी पर सारे प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। तो चर प्रवृत्ति होने के कारण यह कभी स्वर्ग में विचरण करती है, कभी पृथ्वी पर विचरण करती है, कभी पाताल लोक में निवास करती है। इसके साथ ही साथ ज्योतिषी ग्रंथों में बताया गया है कि कर्क, सिंह, कुंभ और मीन के चंद्रमा में पृथ्वी पर भद्रा को अशुभ नहीं माना गया। वृश्चिक मेष, वृष मिथुन के चंद्रमा में
भद्रा को स्वर्ग लोक की माना गया है। धनु कन्या तुला मकर के चंद्रमा में उसको पाताल लोक की माना गया है। जब भद्रा पृथ्वी पर नहीं रहती है तब पृथ्वी पर सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन एक विशेष बात यह है कि भद्रा काल का कोई भी आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं, मांगलिक कर्म करने जा रहे हैं, यज्ञादि कर्म करने जा रहे हैं, तो निश्चित ही भद्रा का आपको विचार करना चाहिए।